तो दोस्तों, आज जो कहानी है एक बहुत सिंपल पर्सन की है। ये प्यारा सा टॉपिक जो रिलेट करता है वो है पावर ऑफ लव। आई थिंक लव जो है उसमें बहुत पावर होती है। जो किसी से सच्चा प्यार करता है, आई थिंक जो प्यार को फ्रंट में रखते हैं, सबसे टॉप पे रखते हैं, उनमें अक्सर ये बातें देखी जाती हैं। लव, प्यार एक खूबसूरत सा एहसास है जिसके साथ होने से हर छोटी से बड़ी कठिनाइयाँ आसान लगती हैं। जब आपको किसी पर्सन से ट्रू वाला लव हो जाता है, उसके बाद आपकी डिमांड्स सब खत्म होने लगती हैं, क्योंकि प्यार आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाता है तो उसके आगे सब फीका लगने लगता है। प्यार में वो क्वालिटी होती है, वो पावर होती है जिसके सामने हर इम्पॉसिबल काम पॉसिबल होने लगते हैं, और हर किसी की लाइफ में ये पार्ट आता है। सो गाइज, ये कहानी एक ऐसे पर्सन की है जिसे अनफॉर्चुनेटली किसी से ट्रू लव हो जाता है, और प्यार किससे कब हो जाए इसकी कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होती है, और कब कोई अनजान व्यक्ति आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसकी आपको कोई भी खबर नहीं होती है। बट होता है, सबके साथ होता है। सो एक पर्सन को भी प्यार हो गया था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, 4 साल का रिलेशन था, सब कुछ परफेक्टली लग रहा था, रोज़ बात होती थी, कभी कभी कुछ अच्छी जगह पे घूमने भी जाते थे, एक दूसरे से साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था, किसी और जगह टाइम से पहुँचे या नहीं। और जब प्यार की बात आती थी तो सब परफेक्टली टाइमिंग से पहुँचते थे। सो गाइज, प्यार की सबसे ज़्यादा बेकार स्टेज उस टाइम होती है जब एक पार्टनर फ्री माइंड होता है और दूसरा पार्टनर अपने पार्टनर के बारे में ही सोच सोच के रह जाता है। दोनों में कम्बिनेशन नहीं बनता है, दोनों की सोच अलग अलग हो जाती है, एक पार्टनर फ्रीडम चाहने लगता है और दूसरा उसे फ्रीडम दे नहीं पाता। प्यार की उससे भी बेकार स्टेज जब कोई थर्ड पर्सन उस प्यार के बीच में आने की कोशिश करता है और थर्ड पर्सन के साथ सारी बातें शेयर होने लगती हैं, और थर्ड पर्सन प्यार के बीच में अपनी जगह बना लेता है। सो गाइज, डिफरेंस तो आने ही हैं, इसलिए मेरी आपको ये एडवाइस है कि थर्ड पर्सन को कभी भी अपने प्यार के बीच में आने ना दें। दोनों लॉयल रहें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, और सबसे बड़ी बात, मुश्किल टाइम आने पे एक दूसरे का साथ ना छोड़ें, तभी लव स्टोरी सक्सेस है, अदरवाइज नॉट ए परफेक्ट स्टोरी। और सबसे बड़ी बात, अपने पार्टनर से गुस्सा आने पर या तो बात ही ना करें या गुस्सा शांत होने का वेट करें। कभी कभी अक्सर देखा जाता है बिना सोचे समझे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें बोल देता है जो दूसरा पार्टनर अपने दिल से लगा के बैठ जाता है, और वहाँ से गलत फहमियाँ भी स्टार्ट होने लग जाती हैं। और एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपके पार्टनर की फाइनेंशियल तौर पे कंडीशन अच्छी ना हो तो उससे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड ना करें, बिकॉज डिमांड और लव अलग अलग कंडीशन में आता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका पार्टनर आपको कुछ चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहा है और आप उस चीज़ की मांग उससे किए ही जा रहे हो, तो दूसरा पर्सन एक तरफ डिप्रेशन में जा रहा है। सो ऐसा किसी भी कंडीशन में ना करें, अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहें। लाइफ अप डाउन चली रहती है तो अपने पार्टनर के लिए हर कंडीशन में तैयार रहें, गुस्से में कोई भी बात ना करें जिससे आपके रिलेशन को इफ़ेक्ट पहुँचे, और अपने पार्टनर को उस टाइम दें जब आपके पास फ्री टाइम हो, एक्स्ट्रा टाइम ना दें, बिकॉज जब आप प्रॉपरली टाइम देने लगते हो तो दूसरा पार्टनर इससे इरिटेटिंग फील कर सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे मेरी
फ्रीडम मुझसे छीनी जा रही है। सो लाइफ में ऐसे बेवकूफ़ी वाले काम ना करें, और जो आपसे प्यार करता होगा वो अनफॉर्चुनेटली छोड़ के आपको कभी नहीं जाएगा, और जिसे 10 जगह जाने की आदत है वो कोई ना कोई बहाना लगा के चला ही जाएगा, चाहे आप उसके लिए कितना भी एफर्ट करो, कितना भी स्ट्रगल करो। एंड रिलेशनशिप में आने के बाद अपनी आदतें और अपनी फिटनेस को बदलने ना दें, जो आपका रूटीन वर्क है उसे बरकरार रखें, उसमें ज़्यादा चेंज ना करें। बिकॉज अक्सर देखा गया है कि अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने लगता है तो उसका अपना टाइम जो वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है उससे उसको इफ़ेक्ट पहुंचता है। और आपको ये भी समझे कि दूसरा पार्टनर आपको क्यों पसंद कर रहा है, जिन चीज़ों की वजह से वो आपको पसंद कर रहा है, जब वही चीज़ें आपके पास नहीं होगी तो रिलेशनशिप में खराबी आएगी ही आएगी। सो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, और प्रॉपर टाइम भी दें अपने पार्टनर को जितना वो डिज़र्व करें। सबसे बड़ी बात, अपने आप पे संतुलन बनाए रखें, डिप्रेशन में आके कुछ भी उल्टा सीधा कदम ना उठाएं, और अपने पार्टनर पे कभी बिना प्रूफ से शक ना करें। बिकॉज जहाँ शक की गुंजाइश बढ़ जाती है वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि रिलेशनशिप ख़राब होते ही होते हैं, चाहे कोई कितना ही ट्रू लव करता हो। अगर कभी ये लगे कि आपको अपने पार्टनर पे थोड़ा सा शक हो तो उस टाइम डिस्कस करें जब वो आपके सामने हो। फ़ोन पे इन चीज़ों की डिस्कस ना करें, क्योंकि फ़ोन पे आपका पार्टनर कभी कभी गुस्सा आने पे आधी बात सुन के उस चीज़ का गलत मतलब समझ लेता है, और वहाँ से बात बिगड़ती ही बिगड़ती है। सो अपने रिलेशनशिप में हैप्पी रहें और अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करें और मैरिज तक पहुँच जाएँ। सो जिस पर्सन की वो स्टोरी थी उसका तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट लास्ट में कुछ ऐसी कंडीशनें आई कि उनका रिलेशन हमेशा के लिए टूट गया। रिलेशनशिप टूटते क्यों हैं? रिलेशनशिप दोनों तरफ से टूटते हैं, पर सबसे बड़ा रीज़न होता है एक इंसान का अचानक से बदल जाना, या किसी डर से उस इंसान के लिए स्टैंड ना लेना। जब रिलेशनशिप में एक पर्सन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दे और दूसरे में ईगो आ जाए तो उस रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट करना आपके लिए सही नहीं है। ऐसे रिलेशनशिप को उसी टाइम ख़त्म कर देना चाहिए। एक मनाता रहे दूसरा ना मनाए और ना ही माने तो रिलेशनशिप में इसकी से कोई ख़राब कंडीशन नहीं हो सकती। उस रिलेशनशिप को ख़त्म होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता। और अगर आपका पार्टनर फिर भी आपकी लाइफ में आ जाए तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि किसी ने कहा था कि जो एक बार छोड़ सकता है, एक बार धोखा दे सकता है, वो बार बार भी छोड़ सकता है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लें और इस चीज़ को प्रैक्टिकली तौर पे अपनी लाइफ में इंस्टॉल कर लें। बस उस रिलेशनशिप में भी यही कंडीशन रही और वो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। सो एंड दिस स्टोरी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको मैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ ट्रिक्स देता रहूं और आप उन्हें अपने लाइफ में फॉलो करें। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप उस रिलेशनशिप में अपना पैसा वेस्ट तब तक ना करें जब तक आपकी बात शादी तक ना पहुंच जाए। आई मीन टू से कि उस रिलेशनशिप का एंड शादी तक ना पहुंचे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पैसे वाले रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं चलते। जब तक आपके पास पैसा है तब तक वो रिलेशनशिप चलेगा, अदरवाइज़ वो पैसा जाने पे अदरवाइज़ वो ख़त्म हो जाएगा। सो इस बात का बहुत गहराई से सोचें और इसको अपने लाइफ में फॉलो करें, और इस चैनल को भी फॉलो, सब्सक्राइब
शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।